नमस्कार। अब तक का सबसे बड़ी खबर ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, जिसका इंतजार बहुत दिनों से हमारे ग्रामीण चिकित्सक कर रहे थे, आज वो बहुत खुशी का दिन है जिसे हम समाचार सुनाएंगे। सभी हमारे ग्रामीण चिकित्सक झूम उठेंगे खुशी से और इस समाचार को अपने सभी ग्रामीण चिकित्सकों में शेयर करेंगे। हमारी दिन प्रतिदिन पहचान बनते जा रही है ग्रामीण चिकित्सकों का, और इसको सरकार भी अब ग्रामीण चिकित्सक करके संबोधित कर रही है, हमें खुशी की बात है। हमने पिछले कई वीडियो में हमने आपत्ति दर्ज किया था कि ग्रामीण चिकित्सक को स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहना बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आम चिकित्सक को, बड़े चिकित्सकों को जो ऑनर्स करते हैं उन्हें डॉक्टर कहा जाता है, उसी तरह से इन्हें भी डॉक्टर कहा जाएगा। आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता लिखेंगे कोई नहीं समझ पाएगा। कॉमन भाषा है चिकित्सक, वैद्य, इसी बात को लोग समझते हैं। यदि आयुर्वेदिक चिकित्सक प्रैक्टिस करते हैं तो वैद्य लिख सकते हैं। उसी तरह से आपको यह कोई रोक नहीं लगाएगा कि आप डॉक्टर नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, वो नहीं लिख सकते हैं। सबसे बड़ी खबर आज हम सुनाने जा रहे हैं। आप जी बिहार झारखंड न्यूज पर आप नीतीश कुमार का ये कोरोना वायरस पर जो संबोधन है आप लिख कर सर्च कर सकते हैं और उसमें आपका पूरा पूरा आ जाएगा। उन्होंने ग्रामीण चिकित्सकों को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमारे ग्रामीण चिकित्सक खूब काम कर रहे हैं और जितने भी पैरामेडिकल स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा ग्रामीण चिकित्सक, इसलिए आप ग्रामीण चिकित्सक लिखेंगे। यदि आपको कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहता है तो आप उसका विरोध कीजिए, क्योंकि आप चिकित्सक हैं, अपने से आप निर्णय लेते हैं, रोग डायग्नोसिस करते हैं, किसी के अंडर में आप नहीं रहते हैं। निश्चित तौर पर आप चिकित्सक हुए, आप दूसरे के कहने पर नहीं आइए। और ये मांग करते करते हम लोग बहुत दिनों से आ रहे हैं, आज नीतीश कुमार के मुख से सुनिए। उन्होंने साफ कहा कि जिनके पास डिग्री नहीं है उनके पास, उसके बाद भी ग्रामीण हमारे भाई बहन उन पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं और उन्हीं लोगों के पास आता है, और बिहार सरकार उनको ट्रेनिंग दे रही है और इस तरह से ग्रामीण चिकित्सकों का बिहार सरकार हेल्प कर रही है और बड़े पैमाने पर उन्होंने ट्रेनिंग दिया है। ऐसे किसी का राजनीतिक दुश्मनी हो वो कृषि नीतीश कुमार का शिकायत कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पर नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों के तरफ से कि जो उन्होंने ये कहा हमें ग्रामीण चिकित्सक, गौर कीजिएगा, खुशी का हमें फूले नहीं समा रहे हैं, बहुत हम खुश हैं। और इस बात को आप चारों तरफ शेयर कीजिए और साफ साफ ये डॉक्टर नहीं लिख सकते, वो नहीं लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखें वहाँ पर, प्रैक्टिस कौन बात समझेगा। इसलिए फेरे में नहीं आए ये मुख्यमंत्री हमारे बिहार के, बहुत जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं उनमें उनकी अपनी छवि है, उनका अपना स्थान है और उनके आइडियोलॉजी के लिए वो जाने जाते हैं। रही बात शिकवा शिकायत का, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो उन्होंने काम किया है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, सारा ग्रामीण चिकित्सक ऋणी है इसके लिए। हमें इस बात की प्रशंसा करनी होगी हमारे नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने साफ कहा ग्रामीण चिकित्सक, चिकित्सक डॉक्टर, साफ साफ, ये नहीं कि आप हेल्थ वर्कर बोलें, आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता बोलें, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी सुन रहे हैं मेरे चैनल को, हम सभी ग्रामीण चिकित्सक ऐलान करते हैं कि आप हमेशा चिकित्सक ही माने और चिकित्सक ही रहें और ट्रेनिंग की व्यवस्था करें। बिहार सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि जैसे एलोपैथ में ट्रेनिंग का व्यवस्था किया गया, उसी तरह से होम्योपैथ आयुर्वेद में भी किया जाएगा तो बहुत बेहतरीन रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आयुर्वेद का जो घटते प्रभाव हो रहा है उसको भी एक सामान्य दर्जा मिलेगा और उसको भी बराबर का दर्जा मिलेगा।
बहुत बार ऐसा भी होता है कि होम्योपैथ एलोपैथ दवा काम नहीं करता है, वहाँ पर आयुर्वेदिक दवा खूब काम करता है। सभी ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर चलना हमारा ये अभियान है। यूट्यूब के माध्यम से हमने पिछले वीडियो में कहा था कि अब CCH की पढ़ाई अब राज्य सरकार स्तर पर और अपना कराने जा रही है, उसी तरह से आपको सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग जो है इस कोर्स की भी मान्यता ग्रामीण चिकित्सक के रूप में देनी चाहिए और सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी को भी ग्रामीण चिकित्सक का दर्जा मिलनी चाहिए और राज्य सरकार को अपने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ट्रेनिंग कराने की सोचनी चाहिए और हम लोगों को भी मांग करते रहनी चाहिए। तो खुशी की बात है, आप इस पर बहुत बड़े बात वो बोल चुके हैं। ग्रामीण गांव के लोग ग्रामीण चिकित्सक पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, सबसे ज़्यादा उन पर विश्वास करके फर्स्ट उन्हीं से इलाज कराते हैं। इसलिए कोरोना का कोई संक्रमित मरीज मिले तो उसका जांच आप अवश्य कराइए और तरह तरह का बात उन्होंने कहा, लेकिन ये बात हमें उन्हें 100% तब हमें अच्छा लगता, 90% से तब अच्छा लगता है जब पूरा इसका बहाली करने की बात करते और इसको ट्रेनिंग को 1 साल से भी बेसी करने की बात करते। और इसकी बहाली जब तक नहीं होगा ग्रामीण चिकित्सक साफ साफ लिख कर, तब तक वेट नहीं बढ़ने वाला है। ये हम समझते हैं कि प्रथम बार हमारे ये मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण चिकित्सकों का इतना बड़ा संबोधन किया। आप चिंता मत कीजिए, हम लोगों का वोट बहुत ज़्यादा है, हम लोगों का किसी से वोट कम नहीं है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी तरह से हमारी वोट कम नहीं है। हर बाजार पर 10, 12, 15 ग्रामीण चिकित्सक आपको अवश्य मिल जाएंगे, जिनकी अगर संगठन किया अगर खड़ा किया जाए पूरे भारत में तो 9 लाख की संख्या में ये लोग हो जाएंगे। 9 लाख अपना वोट एक मतलब रखता है, वो भी हमारे गांव में अपनी धाक है, अपनी मजबूती है। जिस तरह से राजनेताओं का अपने अपने क्षेत्र में उन्हें इज्जत प्रतिष्ठा मिलती है, हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों को का भी गांव में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ग्रामीण चिकित्सक को पहचानता नहीं होगा और दिन रात ये सरकारी डॉक्टर हैं या बड़े डॉक्टर हैं, आपका 6 घंटा 4 घंटा 2 घंटा आपको ड्यूटी देते हैं, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक जो है 24 घंटा काम करते हैं देश के लिए समाज के लिए, फिर भी उन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है और उनकी बहाली और ट्रेनिंग साथ साथ बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है। जिस तरह से सरकारी डॉक्टर MBBS BHMS और ग्रेजुएट आयुर्वेदिक मेडिसिन या BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के चिकित्सक का नियमित बहाली होता है, नियमित रिटायरमेंट होता है, उसी तरह से हम लोग मांग करते हैं कि बहाली जो हो ग्रामीण चिकित्सकों का भी नियमित हो। इससे आपको खुश होना चाहिए और किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात है। यदि बड़े डॉक्टर यदि किसी गलत मांग को मांगते हैं तो उस समय ग्रामीण चिकित्सक बहुत ज़्यादा काम आ जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर समय, कभी कोरोना के संकट काल में बड़े बड़े चिकित्सक फेरे में पड़ रहे हैं, यदि हमारे ग्रामीण चिकित्सक न होते तो पता नहीं क्या होता। आज बहुत अच्छा वर्क दे रहे हैं हमारे ग्रामीण चिकित्सक। ग्रामीण चिकित्सकों का बहुत मेहनत करते हैं अपने रोगी के लिए, 24 घंटा वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। किसी व्यक्ति को पैसा हो या नहीं हो, 200 अगर हुआ पैसा, अगर 150 भी कोई दिया तो हमारे ग्रामीण चिकित्सक हंसते हंसते उस पैसे को लेते हैं। और यही हम कई बार देखे हैं बड़े अस्पताल में अक्सर पैसे के लिए बकझक हो जाती है, गुस्सा क्रोध आता है, पुलिस को बुलानी पड़ती है और कई तरह का उसे अगर डेथ कर जाता है फिर भी उसके बाद में पैसा उछला जाता है, जो ग्रामीण लोगों को या अन्य किसी भी लोगों को बहुत खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है और किसी तरह से मैनेज होता है। ये हमारे ग्रामीण चिकित्सक की वजह से ही
लोगों का पैसा बचता है और इलाज भी करा लेते हैं, खुश भी होते हैं और जेब बहुत ज़्यादा ढीली नहीं करनी पड़ती है। और वही बड़े अस्पताल का काम है, स्टाफ का खर्चा और उसका भाड़ा किराया सभी तरह का खर्चा उसमें शामिल रहता है, सभी बड़े बड़े डॉक्टरों का फीस उसमें शामिल रहता है। इस तरह से साधारण बीमारी में भी 5,000 रुपया लग जाता है, मन ठंडा हो जाता है। तो चार भारत सरकार का एक रिपोर्ट है कि 4 करोड़ लोग जो महंगे इलाज की वजह से गरीब होते चले जाते हैं, वो अगर ग्रामीण चिकित्सक को प्रशिक्षण दिया जाए तो ये चीज़ संख्या बहुत घट जाएगा। ये कंपटीशन होनी चाहिए, यदि गांव के चिकित्सक यदि ट्रेंड रहते हैं तो रोगी को निर्णय में सहूलियत होनी होगी कि वो डॉक्टर बड़े डॉक्टर के पास जाए कि छोटे डॉक्टर के पास जाए, ग्रामीण चिकित्सक के पास जाए, कहाँ जाए। ये निर्णय उपभोक्ता को करने दीजिए, पेशेंट को करने दीजिए, आ एक कंपटीशन लगाइए, तब कोई मनमाना अपना फीस वसूली नहीं करेगा। ये बात सबके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज हम धनी हैं, हम महंगे फीस देकर इलाज करा सकते हैं, कल के डेट में हो सकता है कि हमारी स्थिति खराब हो जाए, तो वही हमारे ग्रामीण चिकित्सक काम आते हैं, इसलिए इनके प्रशिक्षण की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रामीण चिकित्सक का रोल बहुत बड़ा है, हम दावे के साथ कहते हैं कि बड़े से बड़े आदमी भी ग्रामीण चिकित्सकों का लाभ लोग लेता है। दूसरे को छोड़िए, हम खुद अपने घर के लोगों का हम इलाज कराते हैं ग्रामीण चिकित्सक से। ओ बड़े चिकित्सक हैं, MBBS जो है, बड़ा अस्पताल है तो शहर में रहता है, अब हमें जाते जाते बहुत समय लगेगा। हमारी कोशिश रहती है कि हम घर बैठे अपने घर पर ही मेरा मरीज ठीक हो जाए। तो ग्रामीण चिकित्सकों का रोल किसी भी चिकित्सक से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा है। ये सैनिकों की तरह 24 घंटा अपने बॉर्डर की रक्षा करते हैं, हमारे ग्रामीण चिकित्सक भी 24 घंटा गांव की रक्षा करने में तत्पर लगे रहते हैं। यदि 12 बजे रात को भी किसी पेशेंट को प्रॉब्लम होता है तो हमारे ग्रामीण चिकित्सक हंसकर उस आसानी से उठकर चले जाते हैं उनकी सेवा देने के लिए। क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक गांव में रहने की वजह से सभी लोगों को पहचानते हैं और पहचान का फायदा मिलता है कि रात में डॉक्टर लोग क्लिनिक खोल देते हैं। वही जहाँ पर पहचान नहीं रहता है उस हॉस्पिटल में जाना बहुत मुश्किल रहता है, और जाना भी यदि कोई अस्पताल खुला भी है तो आपका बहुत से बढ़िया से व्यवस्था होता है, बहुत पैसा खर्च करनी पड़ती है तब जाके आप एक इमरजेंसी का लाभ लेते हैं। इमरजेंसी का चार्ज अलग, अन्य चार्ज अलग रहता है, लेकिन वही ग्रामीण चिकित्सक जो होते हैं ये इमरजेंसी चार्ज बिल्कुल ही नहीं जोड़ते हैं, जो सामान्य फीस होता है वही फीस पर लोग इलाज करते हैं। मैं आप देख रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह को अपने स्क्रीन पर, GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। ग्रामीण चिकित्सक हमारे भाई बहन, आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हम मांग करते रहे हैं, दिल्ली तक आवाज़ चली गई है, और कोरोना काल में तो ये आपका ग्रामीण चिकित्सक का वैल्यू काफ़ी बढ़ गया है। इसके स्ट्रेंथ को दुनिया ने पहचाना, इसके शक्ति को पहचाना, इस अब समय आ गया है कि इनके एक विशेष दर्जा जाए। बहुत बड़े बड़े विद्वानों को, विद्वान रहते हैं, टैलेंटेड रहते हैं, उसके बाद भी उन्हें पुरस्कार से क्यों नवाया जाता है, इसलिए कि उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़े। यदि ग्रामीण चिकित्सकों का भी अगर बहाली, पुरस्कार देने की क्षमता और बात बात में ये ग्रामीण चिकित्सक की चर्चा हर स्टेज से होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे जहाँ भी जाइए आप एक एक जरूर उनको लेटर थमाइए, एक उनको एक कोई भी एक लेटर उनको दीजिए और बोलिए अपने नेताजी को कि ग्रामीण चिकित्सक के बारे में अवश्य बोलिए, हर जगह से बात उठानी चाहिए। आप सोच रहे हैं कि हम घिसी पिटी बात वही क्यों करते हैं, ये पुराने बात हो गई, नहीं। अगर कोई व्यक्ति यदि हम अगर पुराने बात को बार बार कहते हैं, इसका मतलब है कि उस पर गंभीरता से विचार किया जाए और उसके समस्या को सुना जाए। हम बार बार कहने का मतलब है कि ग्रामीण चिकित्सक जिस समस्या से ये ग्रसित हैं, उन समस्या को तत्काल दूर किया जाए, ज़्यादा ही नहीं कम मात्रा में ही
कम से कम सरकार को एक शुरुआत कर देनी चाहिए और कंपटीशन आपको जितनी हार्ड लेनी है आप ले लीजिए। ग्रामीण चिकित्सक हमारे कसौटी पर बिल्कुल खड़े उतरेंगे और इसमें बहुत विद्वान लोग हैं, पीजी पीएचडी तक हमने पहले कहा है। ये बिल्कुल लोग ये भूल ना करें कि ग्रामीण चिकित्सक पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आप भ्रम में नहीं रहिए, कई का प्रमाण है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे रहते हैं, विद्वान बैठे हुए हैं। और वित्त रहित शिक्षा नीति में जो वित्त रहित बनाते हैं, जिनको आधा पेट भोजन के लिए पैसा सरकार देती है, वो भी ग्रामीण चिकित्सा का कार्य करते हैं। यानी जितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और जिनका आधा पेट लोग खिलाते हैं, या तो ट्यूशन पढ़ाते हैं या चिकित्सक हैं या अन्य किसी काम में लगे हुए हैं, यदि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो उनको मन के अनुसार यदि रोजगार नहीं मिलता है तो पढ़ाई का ही काम करेंगे, वो खेत जोतने नहीं जाएंगे, क्योंकि खेत जोतने का उनके पास कोई तजुर्बा नहीं है, कोई इल्म नहीं है। तो जहाँ भी है आप इससे बिहार झारखंड यानी जी न्यूज पर आप देख सकते हैं और पूरा देखिए बिहार लाइव में। आप नीतीश कुमार जी जो कोरोना वायरस पर बिहार को के जनता को जो संबोधित किए हैं उनमें ग्रामीण चिकित्सक का नाम साफ साफ लिए हैं, ग्रामीण चिकित्सक कह के बोले हुए हैं और हम इस बात के लिए उनको बहुत धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि नमन है। और जो भी लोग जो भी कुछ कहे, लेकिन हम नीतीश जी को हम आज बहुत ही मन से दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों को उन्होंने टैलेंट को समझा और बहुत बारीकी से इसका उन्होंने नाम लिया। और राजनीति भी हम लोगों को करनी चाहिए, हर स्टेज पर रहनी चाहिए और मांग करते रहनी चाहिए ग्रामीण चिकित्सकों को बहाली के लिए और मजबूर कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका बात सुने, जब तक आप मांग नहीं करेंगे कोई दुनिया में सुनने वाला नहीं है। एक कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ उसकी दूध नहीं पिलाती है। आप रोइए, गाइए, पैर पकड़िए, हाथ पर जो भी करना है करिए, आप शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहिए। और सभी पार्टियों से कहिए, जो पार्टी किसी भी पार्टी का हो, भाजपा हो, जेडी हो, कांग्रेस हो, दुनिया के तमाम जितने भारत में चुनाव लड़ते हो, सबसे हम लोग कहेंगे जो हमारी बात मानेंगे, जो पार्टी जो नेता अपने मैनोफेस्टो यानी घोषणा पत्र में ग्रामीण चिकित्सकों की बात लिखता है उसी को हम लोग वोट देंगे। ये सभी ग्रामीण चिकित्सकों को ये करनी चाहिए। यदि मैनोफेस्टो में नहीं घोषणा करता है तो उसको निंदा होनी चाहिए, इसको बात उठानी चाहिए ताकि पार्टी कहे कि अगले चुनाव में हम ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकारी बहाली प्रशिक्षण का संपूर्ण व्यवस्था और ग्रामीण अस्पताल भी खुले और उसका भी अलग से जो ग्रामीण चिकित्सक के देख रेख में जो चले ये भी होनी चाहिए, क्योंकि गांव के जो भी चिकित्सालय है वो बराबर वहां पर रहते हैं, उनका आवास रहता है, उनका घर मिट्टी जो भी है सब उसी जगह है, स्थानीय लोग रहते हैं, इसलिए 24 घंटा भी संचालित करने में वो एकदम हंस हंस कर ये लोगों को सर्विस देंगे और एक दिन भारत के लोगों का स्वास्थ्य इतना अच्छा हो जाएगा कि पूरा दुनिया में इनके स्वास्थ्य की चर्चा होगी। हमारे रामदेव महाराज ने एक योग से पूरा दुनिया को जगाया है, योग के शक्ति को जगाया है, योग को विश्वास को जीता है। उसी तरह से ग्रामीण चिकित्सकों को भी यदि मौका मिलेगा तो पूरा ये अपना नाम करेंगे। हम इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में ग्रामीण चिकित्सकों की समस्या सभी कोई ना कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जरूर शामिल करेगी। इस तरह से सभी ग्रामीण चिकित्सकों का मान मर्यादा बढ़ेगा और रिस्पेक्ट बढ़ेगा और बहाली भी होगी और ग्रामीण चिकित्सक जैसा चाहते हैं वैसा होगा। और कोई भी हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाकर देते हैं तो उस पर सरकार इसको सुनेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपके लोकप्रिय चैनल यूट्यूब चैनल से तत्काल विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।